वीकेबी न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आज आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। भक्तों में आनंद का वातावरण है। नवरात्र के पहले दिन अर्थात कल 7 अक्टूबर से राज्य के सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, मगर कोरोना प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन करना होगा। उधर बॉम्बे हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने अहमदनगर जिला अंतर्गत कोबर्डी गांव में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में दोषी पाए गए आरोपियों की अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। तो मुंबई की विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजे गए शिवसेना सांसद भावना गवली के सहयोगी सईद खान को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसी बीच लखीमपुर खीरी मामले को लेकर शिवसेना ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पूछा है कि इसे आजादी का रक्त रंजित महोत्सव कहा जाए क्या। अच्छी खबर यह है कि मुंबई से नवी मुंबई के बीच सफर करने वालों को जल्द ही सड़क और रेल मार्ग के साथ ही अब जल मार्ग का विकल्प भी मुहैया हो जाएगा। काम लगभग अंतिम चरण में है। कल से राज्य के सभी धार्मिक स्थल खोलने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इस खबर से धार्मिक स्थलों के खुलने का इंतजार कर रहे भक्तों में आनंद का वातावरण है। इसके लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च का कामकाज संभालने वाला प्रशासन तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि धार्मिक स्थलों पर जाते वक्त अपनी जिम्मेदारी नहीं भूले। कोरोना के सभी नियमों का पालन कराने के लिए सरकार ने कई शर्त भी लगाए हैं। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मैनेजमेंट ने भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर में QR कोड की सुविधा उपलब्ध कराई है। भक्तों के लिए हर गुरुवार 12 बजे मंदिर द्वारा जारी किए गए लिंक पर या मंदिर ट्रस्ट के ऐप से QR कोड डाउनलोड करना होगा। QR कोड के जरिए हर दिन 1 घंटे में 250 भक्त दर्शन कर पाएंगे। 65 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि भक्तों से हार प्रसाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं नवरात्रि काल में मुंबा देवी मंदिर में होने वाली भीड़ से बचने के लिए मंदिर की तरफ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। मंदिर में प्रवेश के लिए दोनों डोज लेकर 14 दिन पूरा होना आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना आवश्यक है। किन प्रार्थना स्थलों में कितने भक्तों को प्रवेश दिया जाए, इसका निर्णय प्रार्थना स्थल के मैनेजमेंट समिति व ट्रस्ट को लेना होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने अहमदनगर जिला अंतर्गत कोपरडी गांव में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में दोषी पाए गए आरोपियों की अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अहमदनगर जिला अदालत ने नवंबर 2017 में इस मामले से जुड़े आरोपी जितेंद्र शिंदे, संतोष भवल व नितिन भैलुमे को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ आरोपियों ने हाई कोर्ट में अपील की है, जबकि राज्य सरकार ने आरोपियों को मिली फांसी की सजा को पुष्ट कराने के लिए अपील की है। न्यायमूर्ति साधना जाधव व न्यायमूर्ति PK चौहान के सामने यह अपील सुनवाई के लिए आई थी। पूरे प्रकरण पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति साधना जाधव ने खुद को इस मामले की सुनवाई से दूर कर लिया और इस अपील को अन्य पीठ के सामने सुनवाई के लिए रखने को कहा। साल 2016 में 3 आरोपियों ने 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी निर्ममता से हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद पूरे सूबे में मराठा समाज आंदोलित हो उठा था। विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी आंदोलन कर दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। मराठा समाज ने साल भर से अधिक समय तक विभिन्न शहरों में बड़ी बड़ी रैलियां निकाली थी। मुंबई की विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजे गए शिवसेना सांसद भावना गवली के सहयोगी सईद खान को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले ED ने अदालत में दावा किया कि आरोपी खान काफी प्रभावशाली व्यक्ति है, उसे मामले की जांच की दिशा के बारे में जानकारी हो गई है। ऐसे में यदि आरोपी को रिहा किया जाता है तो वह जांच को प्रभावित कर सकता है, इसलिए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। वहीं सईद ने कोर्ट में आवेदन दायर ED की ओर से लगाए गए आरोपों को आधारहीन बताया। इसके साथ ही खान ने ED की जाँच को दुर्भावनापूर्ण बताया। इस तरह मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को 2 सप्ताह तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह हिरासत अवधि मंगलवार को खत्म हो रही थी, इसीलिए खान को कोर्ट में पेश किया गया। खान को 28 सितंबर 2021 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया था। खान को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है वह मूल रूप से यवतमाल वासिम से शिवसेना सांसद गवली से जुड़े महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान ट्रस्ट में कथित तौर पर 18 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ा है।
लखीमपुर खीरी मामले को लेकर शिवसेना ने मुखपत्र सामना में बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि आजादी के अमृत महोत्सव पर किसानों का खून बहा, इसे आजादी का रक्त रंजीत महोत्सव कहा जाए क्या? हमारे देश में क्या हो रहा है? नई ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में देश को सौंपा न जाए, इसलिए संघर्ष करने वाले किसानों को कुचलकर मारने वाली सरकार पर धिक्कार है। किसानों को कुचलकर मारने का वीडियो भी सामने आया है। अब तो दो आंसू बहा दो। प्रियंका गांधी को योगी सरकार ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। बीते 36 घंटों से उन्हें सीतापुर में नजरबंद रखा गया है। जिस गंदी जगह पर प्रियंका गांधी को नजरबंद करके रखा गया है, उस जगह की प्रियंका को खुद सफाई करनी पड़ रही है। हाथ में झाड़ू लेकर कचरा साफ करने का प्रियंका का एक वीडियो दुनिया भर में वायरल होने से हमारे देश की थू थू हो रही है। प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव है, उन पर राजनीतिक हमले हो सकते हैं। किसानों पर हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमारे देश में गुनाह हो गया है क्या? मुंबई से नवी मुंबई के बीच सफर करने वालों को जल्द ही यातायात का नया विकल्प उपलब्ध होगा। सड़क और रेल मार्ग के साथ ही अब जल मार्ग का विकल्प भी मुहैया हो जाएगा। मुंबई और नवी मुंबई में जेट्टी निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है। फिलहाल नवी मुंबई से साउथ मुंबई तक सड़क मार्ग से पहुंचने के लिए लगभग 1.5 से 2 घंटे और रेल मार्ग से करीब 60 मिनट का समय लगता है। जल मार्ग से यह सफर केवल 40 मिनट से 45 मिनट में ही पूरा करना संभव होगा। मैरीटाइम बोर्ड के CEO अमित सहनी के मुताबिक मुंबई और नवी मुंबई में जेट्टी बनाने का काम पूरा कर लिया गया है। कुछ दिन में सुरक्षा इंतजाम का जायजा लेकर वाटर टैक्सी सेवा को शुरू करने की घोषणा होगी। इस रूट पर सेवा शुरू करने के लिए कई जहाज कंपनी विभाग के संपर्क में है। 11 अक्टूबर तक सुरक्षा मानकों की जांच रिपोर्ट आने की संभावना है। सरकार ने मुंबई में 12 स्थानों से वाटर टैक्सी और 4 स्थानों से रोपेक्स सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। हाल ही में राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और मैरिटाइम बोर्ड के अधिकारियों के साथ इस संदर्भ में बैठक की थी। पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस के सिलेंडर में 15 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस परेशानी के साथ एक और मुसीबत जुड़ सकती है। 64 बिजली संयंत्रों के पास 4 दिन से भी कम का कोयला भंडार बचा है। अगर इन्हें कोयले की आपूर्ति नहीं हुई तो आपके घर की बिजली भी जा सकती है। इस बीच ट्रांसजेंडर के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र की बीमा स्कीम यानी आयुष्मान भारत के तहत अब उन्हें भी मेडिकल कवर मिलेगा। यही नहीं, सेक्स चेंज जैसे ऑपरेशन के लिए भी इस बीमा का इस्तेमाल किया जा सकता है। उधर रामानंद सागर के बहुचर्चित सीरियल रामायण में लंकेश का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी नहीं रहे। उनकी दमदार आवाज की दुनिया दीवानी हुई थी। बात राजनीति की करें तो त्रिपुरा के पार्टी विधायक आशीष दास ने कोलकाता के कालीघाट स्थित काली मंदिर में हवन करने के बाद सिर मुंडवाकर पार्टी छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ममता दीदी माटी से जुड़ी नेता है। देश भर की इन 5 ताजा तरीन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही हमारे साथ। LPG की कीमतों में आज एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस के सिलेंडर में 15 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली और मुंबई में नॉन सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत अब 899.50 रुपए हो गई है। इससे पहले 1 अक्टूबर को केवल 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडरों के दाम बढ़ाए गए थे। 5 किलो के सिलेंडर की कीमत अब 502 रुपए हो गई है। नई कीमतें आज से प्रभावी हो गई है। इस बढ़ोतरी के बाद 14 किलो 2 ग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत कोलकाता में 926 रुपए और चेन्नई में अब 915.50 रुपए हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि इस बार LPG सिलेंडर का दाम 1000 रुपए के पार चला जाएगा। पटना में अब LPG सिलेंडर के लिए 1000 में से केवल 2 रुपए कम चुकाने पड़ेंगे। 1 अक्टूबर को इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत $82 के पार चली गई है। 1 सितंबर को 14 किलो 2 ग्राम के गैर सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने 18 अगस्त को गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा किया था। पिछले 1 साल में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 305.50 रुपए बढ़ चुकी है, जबकि अब सब्सिडी भी नहीं आ रही है। अगर कोयले का संकट देश में और गहरा है तो फिर आपके घरों की बिजली भी गुल हो सकती है। दरअसल देश में खानों से दूर स्थित नॉन पीट हेड 64 बिजली संयंत्रों के पास 4 दिन से भी कम का कोयला भंडार बचा है। केंद्रीय बिजली प्राधिकरण की बिजली संयंत्रों के लिए
कोयला भंडार पर ताज़ा रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि 25 ऐसे बिजली संयंत्रों में 3 अक्टूबर को 7 दिन से भी कम समय का कोयला भंडार था। कम से कम 64 ताप बिजली संयंत्रों के पास 4 दिनों से भी कम समय का ईंधन बचा है। बता दें कि CEA 135 बिजली संयंत्रों में कोयले के भंडार की निगरानी करता है, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता दैनिक आधार पर 165 मेगावाट है। कुल मिलाकर 3 अक्टूबर को 135 संयंत्रों में कुल 78,09,200 टन कोयले का भंडार था और यह 4 दिन के लिए पर्याप्त है। रिपोर्ट में बताया गया कि 135 संयंत्रों में से किसी के भी पास 8 या अधिक दिनों का कोयला का भंडार नहीं था। हालांकि सरकार का कहना है कि 2-3 दिनों में कोयले की आपूर्ति कर दी जाएगी। याद रहे कि भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे अधिक कोयले का ही इस्तेमाल होता है। गरीब परिवारों के लिए केंद्र की बीमा स्कीम यानी आयुष्मान भारत के तहत अब ट्रांसजेंडर को भी मेडिकल कवर मिलेगा और साथ ही सेक्स चेंज जैसे ऑपरेशन के लिए भी इस बीमा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य नाम से भी जाना जाता है। योजना के तहत गरीब परिवारों को हर साल सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा दिए जाने का प्रावधान है। अब सरकार की नई योजना स्माइल के तहत इस बीमा का फायदा ट्रांसजेंडरों तक पहुंच सकेगा। सामाजिक न्याय मंत्रालय 12 अक्टूबर को सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज यानी स्माइल योजना की शुरुआत करने वाला है। इसके तहत ट्रांसजेंडरों को सर्जरी और चिकित्सकीय सहायता के लिए भी बीमा दिया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडरों के कल्याण और उत्थान के लिए पंचवर्षीय योजना में 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के गरीब, वंचित और कमजोर तबके के 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिलती है। रामानंद सागर के बहुचर्चित सीरियल रामायण में लंकेश का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी नहीं रहे। वह 82 साल के थे। मंगलवार की रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने कांदिवली स्थित अपने घर में ही दम तोड़ दिया। अरविंद त्रिवेदी के भतीजे कौस्तुभ त्रिवेदी ने उनके निधन के खबर की पुष्टि की है। पिछले 3 साल से उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी थी। उन्हें 2-3 बार अस्पताल में भी दाखिल कराना पड़ा था। 1 महीने पहले ही वो अस्पताल से एक बार फिर घर लौटे थे। इस साल मई में अरविंद त्रिवेदी के निधन की खबरें सामने आई थी, जिसे अफवाह बताते हुए रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने कहा था कि इस तरह के फेक न्यूज न फैलाए। अरविंद त्रिवेदी का जन्म 8 नवंबर 1938 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। उनका शुरुआती करियर गुजराती रंगमंच से शुरू हुआ। उनके भाई उपेंद्र त्रिवेदी गुजराती सिनेमा के चर्चित नाम रहे हैं और गुजराती फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। हिंदी के पॉपुलर शो रामायण से घर घर पहचान बनाने वाले लंकेश यानी अरविंद त्रिवेदी ने लगभग 300 हिंदी और गुजराती फिल्मों में अभिनय किया था। कहते हैं कि टीवी स्क्रीन पर भले ही वह राम से युद्ध करते दिखाई दिए, पर असल जीवन में वे राम के परम भक्त थे। पश्चिम बंगाल में भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। त्रिपुरा के पार्टी विधायक आशीष दास ने कोलकाता के कालीघाट स्थित काली मंदिर में हवन करने के बाद सिर मुंडवाकर पार्टी छोड़ने की घोषणा की। दास ने कहा कि मैं आज बीजेपी छोड़ रहा हूँ, साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में कई और भाजपा विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। मेरी TMC से बातचीत हुई है। दास ने ममता बनर्जी की बंगाल की माँ माटी मानुष की असली नेता बताया और कहा कि बंगाल ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष में शानदार भूमिका निभाई, लेकिन उसे इतने वर्षों में राजनीतिक क्षेत्र में उतनी पहचान नहीं मिली जिसका वह हकदार था। अगर ममता दीदी प्रधानमंत्री बनती है तो यह बंगालियों के साथ न्याय होगा और दशकों की गलती को ठीक कर देगा। यह सभी बंगालियों के लिए गर्व की बात होगी। साथ ही इंदिरा गांधी के बाद देश में सत्ता एक महिला संभालेगी। हाल के भवानीपुर उपचुनाव में उनकी भारी जीत बंगाल के लोगों के बीच उनकी अपार लोकप्रियता का एक और प्रमाण है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में मिली भारी जीत के बाद त्रिपुरा में जीत दर्ज करने की उम्मीद कर रही है। मौत की सजा पाए भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव प्रकरण में राहत भरी खबर है। पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने उनका वकील नियुक्ति करने के लिए भारत को और समय दिया है, मगर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA मुश्किलों में है। उसके जासूसों की खुफिया लिस्ट चीन और ईरान जैसे उसके दुश्मनों के हाथ लग गई है और अब वे CIA के जासूसों और उन्हें सूचना देने वालों की चुन चुन कर हत्या कर रहे हैं। फेसबुक की परेशानी कम नहीं हो रही है। प्रोडक्ट्स ठप रहने से हजारों करोड़ का नुकसान झेल चुकी इस कंपनी पर आरोप है कि उसने अपने प्लेटफॉर्म पर टीनेज सेफ्टी खासकर इंस्टाग्राम पर फायदे कमाने के लिए विवाद समाधान जैसे मुद्दों की अनदेखी की। इस बीच अफगानिस्तान में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर काबुल लौट आने से तालिबान की भी मुश्किलें बढ़ गई है।
तनाव के आसार गहराने लगे हैं। इस बीच ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में यूएई के पासपोर्ट को दुनिया में पहला और भारतीय पासपोर्ट को 85वां स्थान हासिल हुआ है। दुनिया भर की इन 5 ताजा तरीन और बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने मौत की सजा पाए भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव का वकील नियुक्त करने के लिए भारत को और समय दिया है। सैन्य अदालत की ओर से जाधव को सुनाई गई सजा और दोष सिद्धि की उक्त अदालत में समीक्षा की जाएगी। मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने जाधव के लिए वकील नामित करने के संबंध में कानून मंत्रालय के मामले की सुनवाई की। पीठ में मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह, न्यायमूर्ति ओमर फारूक और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब शामिल थे। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अदालत को याद दिलाया कि उसने 5 मई को एक आदेश पारित किया था जिसमें अधिकारियों से वकील की नियुक्ति के लिए भारत से संपर्क करने का एक और प्रयास करने को कहा गया था। बता दें कि भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी 50 वर्षीय जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी एवं आतंकवाद के आरोपों में अप्रैल 2017 में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने जाधव को राजनयिक पहुँच न देने और मौत की सजा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत का रुख किया था। द हेग स्थित ICJ ने जुलाई 2019 में फैसला दिया कि पाकिस्तान को जाधव को दोषी ठहराने और सजा सुनाने संबंधी फैसले की प्रभावी समीक्षा एवं पुनर्विचार करना चाहिए। दुनिया भर में कई सरकारों का तख्ता पलट करने वाली अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA इन दिनों बड़े संकट का सामना कर रही है। CIA ने माना है कि उसके जासूसों की खुफिया लिस्ट चीन और ईरान जैसे उसके दुश्मनों के हाथ लग गई है। ये दोनों ही अमेरिकी दुश्मन देश अब CIA के जासूसों और उन्हें सूचना देने वालों की हत्या कर रहे हैं। कई जासूसों की हत्या से घबराई CIA ने दुनिया भर में फैले अपने जासूसों को एक खुफिया मेमो जारी करके इस बड़े खतरे के प्रति आगाह किया है। रिपोर्ट के मुताबिक CIA ने अपने खुफिया संदेश में अपने सभी स्टेशनों और ठिकानों से कहा है कि काउंटर इंटेलिजेंस मिशन ने पिछले कुछ सालों में दर्जनों ऐसे मामलों का विश्लेषण किया है। यही नहीं, इस मेमो में ये भी ठीक ठाक बताया गया है कि कितने जासूसों की हत्या की गई है, जो अपने आप CIA के लिए असामान्य बात है। पूर्व अधिकारियों ने यह भी बताया है कि चीन और ईरान ने CIA के गोपनीय संचार सिस्टम में घुसपैठ करने में सफलता हासिल कर ली। हमारे जासूस अपने सूत्र पर बहुत ज्यादा भरोसा न करें और विदेशी खुफिया एजेंसियों को कम मानकर न चले। यही नहीं, बहुत तेजी से आगे बढ़कर और संभावित खतरों पर पूरा ध्यान न देकर CIA के मिशन को संकट में न डालें। फेसबुक के लिए ये काफी बुरा वक्त चल रहा है। 2 दिन पहले 6 घंटे से अधिक समय के लिए उसके सभी प्रोडक्ट्स ठप रहे जिससे कंपनी को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ और अब विसल ब्लोअर ने अमेरिकी सीनेट की उपसमिति के सामने पेश होकर मुश्किलें बढ़ा दी है। कंपनी पर आरोप है कि उसने अपने प्लेटफॉर्म्स पर टीनेज सेफ्टी, खासकर इंस्टाग्राम पर फायदे कमाने के लिए विवाद समाधान जैसे मुद्दों की अनदेखी की। कंपनी ने अपने उस इंटरनल सर्वे को भी छिपाया जिसमें खुलासा हुआ था कि कैसे इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम युवाओं के दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। फेसबुक के पूर्व कर्मचारी हाउगन ने कंपनी की शिकायत US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के समक्ष भी की है जिनमें भारत से जुड़ी शिकायतें भी शामिल हैं। शिकायत में कहा गया है कि फेसबुक के पास हिंदी और बंगाली समझने वाले क्लासिफायर्स की कमी थी, इसके चलते उसने इन भाषाओं में पोस्ट की जाने वाली हेट स्पीच पर कोई एक्शन नहीं लिया। बता दें कि भारत में फेसबुक के 34 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। यही दुनिया भर में उसके कुल सक्रिय 2.89 बिलियन यूजर्स में से बड़ी संख्या है। फेसबुक ने 2019 में दावा किया था कि उसके पास 4 भारतीय भाषाओं बंगाली, हिंदी, उर्दू और तमिल में क्लासिफायर्स हैं, लेकिन इस खुलासे से पता चलता है कि बंगाली में उसके पास इसकी कमी थी। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल घनी बरादर को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। तालिबान सरकार का उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर काबुल लौट आया है और उसने पदभार भी ग्रहण कर लिया है, मगर ग्लोबल टेररिस्ट सिराजुद्दीन हक्कानी के नेतृत्व वाले आंतरिक मंत्रालय से सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। बता दें कि बीते दिनों खबर आई थी कि हक्कानी नेटवर्क के साथ झड़प में बरादर घायल हो गया था और वह कंधार चला गया था। माना जा रहा है कि तालिबानी नेता बरादर अब काबुल पैलेस में रह रहा है, जबकि उसके समर्थक और मुल्ला उमर का बेटा रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब अभी भी कंधार में है। सिराजुद्दीन हक्कानी अभी भी काबुल में रहता है। काबुल पर नजर रखने वालों के अनुसार तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला बरादर के आने से सरकार के भीतर तनाव बढ़ेगा, क्योंकि याकूब गुट ISI समर्थित हक्कानी गुट का एक शक्ति प्रतिद्वंदी है। तालिबान की राजनीतिक इकाई की ओर से सरकार में हक्कानी नेटवर्क को प्रमुखता दिए जाने का विरोध किया जा रहा है। वही हक्कानी नेटवर्क खुद को तालिबान के सबसे फाइटर यूनिट मानता है। संयुक्त अरब अमीरात का पासपोर्ट एक बार फिर दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है।
ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स ने यूएई के पासपोर्ट को दुनिया में पहला स्थान दिया है। यूएई का पासपोर्ट 152 देशों में एंट्री की परमिशन देता है। इस सूची में भारतीय पासपोर्ट को 85वां स्थान हासिल हुआ है। पिछले साल भारत की रैंकिंग 84 थी। सबसे आखिरी स्थान 112वीं रैंक अफगानिस्तान को मिली है। वहीं पाकिस्तान को पीछे से चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। इंडेक्स के मुताबिक 98 देश वीजा मुक्त प्रवेश का प्रस्ताव देते हैं, 54 देश वीजा ऑन अराइवल देते हैं, वहीं 46 देशों में प्रवेश से पहले वीजा की जरूरत होती है। यूएई का पासपोर्ट दिसंबर 2018 में पहली बार सबसे मजबूत पासपोर्ट बना था। 2019 में इसने अपनी रैंक को बरकरार रखा। 2020 में ये फिसल कर 14वें स्थान पर आ गया। अब 2021 में पासपोर्ट ने एक बार फिर नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। यूएई ने इस साल की शुरुआत में नागरिकता कानून में संशोधन को मंजूरी दी, जिससे निवेशकों, पेशेवरों, विशेष प्रतिभाओं और उनके परिवारों को कुछ शर्तों के तहत यूएई की नागरिकता और पासपोर्ट हासिल करने की अनुमति मिली। कोविड-19 महामारी के बाद देशों के बीच वीजा संबंधी नियम बदलने के बाद रैंकिंग में बदलाव किया गया है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।